तो यार क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की है कि जब अवेंजर्स एंड गेम में सबके पास दो पिम पार्टिकल्स थे, एक प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए और दूसरा वापस आने के लिए, एंड नेबुलो के पास भी दो पिम पार्टिकल्स थे, एक तो जाने में यूज हो गया और दूसरा पास्ट वाली नेबुला ने फ्यूचर में आने के लिए यूज कर लिया। अब सवाल ये आता है कि थेनोस अपनी इतनी बड़ी आर्मी लेकर फ्यूचर में कैसे आया, जबकि उसके पास ना तो पिम पार्टिकल्स थे और ना ही टाइम ट्रेवल जीपीएस, तो वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी को कैसे लेकर आया? मैं चलिए बताता हूँ, लेकिन यार उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई इसका जो रीजन है वो रूसो ब्रदर्स ने खुद कंफर्म किया है, जो है इबोनीमैन। इबोनीमैन थेनोस की इंटेलिजेंट औलाद है और इबोनीमैन काफी ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। इस हरामखोर ने एक पिम पार्टिकल से कई सारे पिम पार्टिकल्स बना लिए ताकि थेनोस अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर आ सके। तो यार क्या आप लोग ये डिटेल जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।